3 सेकंड में पूरा हुआ ट्विन टावर ढहने का ब्लास्ट टेस्ट। 22 मई को मिट्टी में मिल जाएगी इमारत। मेरे पीछे आप ट्विन टावर देख रहे हैं, इसमें ब्लास्ट का काम पूरा हो चुका है। ट्रायल था आज, पीछे की तरफ से ट्रायल किया गया है। क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अभी फ्यूचर ब्लास्ट के लिए वो प्लानिंग करेंगे। आपने एक वाइब्रेशन का प्रश्न पूछा, अब रोक ले। वाइब्रेशन एनालिसिस आज भी हुआ है, मॉनिटरिंग हुआ है। बेसिकली जो IITM चेन्नई से लोग आए, वी हैव हायर्ड जियो टेक्निकल स्ट्रक्चरल फ्रॉम कोची अलॉन्ग विद IIT चेन्नई, जिसने आज मॉनिटरिंग की है वाइब्रेशंस की, 6 पॉइंट्स पे की है, गेल के पाइपलाइन पे, ATS में, एमरल्ड में, सब जगह पे ये मॉनिटरिंग हुई है। इसके रिजल्ट्स इमीडिएट नहीं आते, दे विल गो बैक टू चेन्नई, दे विल फॉर्मुलेट द रिपोर्ट एंड बाद में हमको सबमिट किया जाएगा। मेरे पीछे देख सकते हैं कि 22 मई को जब ये गिराया जाएगा, इसे 9 सेकंड में गिराने की योजना है, इसे गिराने की तैयारी की जा चुकी है। लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब सुपर टेक के अवैध इमारत ट्विन टावर को गिराने को लेकर ट्रायल ब्लास्ट किया गया। इमारत के बेसमेंट और 14वें फ्लोर में विस्फोटक लगाया गया था। इस प्रक्रिया के तहत 5 पिलर में टेस्ट ब्लास्ट किया गया, एपेक्स टावर में ब्लास्ट किया गया, साथ ही टेस्ट ब्लास्ट में 5 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। इस टेस्ट ब्लास्ट से ये जानने की कोशिश की गई कि फाइनल ब्लास्ट में कितना विस्फोटक लगेगा और सभी आसपास की जगहों को सुरक्षित कैसे किया जाएगा।